गिल की बीमारी हुई आउट ऑफ कंट्रोल, कप्तान रोहित की टेंशन हुई टाइट, सूर्य कुमार यादव का प्लान आ गया सामने। महा मुकाबले में सूर्या को खिलाएंगे, पाकिस्तानियों को चौंकाएंगे, कोच द्रविड़ ने सेट किया बड़ा टारगेट। बड़े मैचों में होगा फेरबदल, गिल अस्पताल में हुए एडमिट, उभरने में लगेगा अभी लंबा वक्त। टीम इंडिया अपने वर्ल्ड कप अभियान का आगाज जीत के साथ तो कर चुकी है, लेकिन सबसे बड़े मुकाबले यानी कि महा मुकाबले के लिए टीम अब अलग रणनीति तय कर रही है। शुभमन गिल को लेकर जो खबर आज सामने आई उसे सुनकर आप थोड़ा निराश जरूर होंगे, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि गिल अगले मैच में टीम में वापसी कर सकते हैं, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि वो अस्पताल में भर्ती है और आने वाले कुछ मैचों में उनका खेलना असंभव है। गिल का प्लेटलेट्स काउंट भी गिर रहा है और उनका बुखार भी ठीक नहीं हो रहा। ऐसे में दुरुस्त होने के बाद भी उन्हें कम से कम 4 दिन आराम करने की सलाह डॉक्टर दे सकते हैं। नई दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ मैच के बाद टीम इंडिया अहमदाबाद कूच करेगी, जहां उसे अपने तीसरे मैच में पाकिस्तान से भिड़ना है। इस मुकाबले को लेकर गजब का उत्साह है और इस मैच में जीत सुनिश्चित करने के लिए कोच और कप्तान ने एक अलग रणनीति भी बना ली है। दुनिया के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम की क्षमता करीब 1,35,000 दर्शकों की है। ऐसे में भारत और पाकिस्तान के इस मैच में स्टेडियम में एक भी सीट खाली नहीं मिलने वाली। इस मुकाबले में बाबर की सेना को धूल चटाकर भारतीय टीम वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ लगातार 8वीं जीत दर्ज करना चाहती है। 14 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ इस हाई वोल्टेज मुकाबले में सूर्य कुमार यादव को प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। सूत्रों की माने तो उन्हें श्रेयस अय्यर की जगह स्क्वाड में शामिल किया जा सकता है और वे बैटिंग ऑर्डर को विविधता लाने का काम कर सकते हैं, मौके पर तेजी से रन भी बना सकते हैं। सूर्या पाकिस्तान के खिलाफ आउट ऑफ सिलेबस हो सकते हैं। ऐसे में अय्यर को टीम से बाहर बैठाकर मैनेजमेंट सूर्या को मौका दे सकता है। पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ मुकाबले के लिए विराट कोहली, केएल राहुल और रोहित शर्मा से बचने की तैयारी कर रही है, लेकिन सूर्या के खिलाफ पाकिस्तान ने अब तक कोई वनडे मैच नहीं खेला है। ऐसे में उनकी बल्लेबाजी विरोधी गेंदबाजों पर भारी पड़ सकती है। आज सूर्या भी प्रैक्टिस सेशन में अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी करते नजर आए और कोच द्रविड़ भी उनके साथ बातचीत करते हुए दिखाई दिए। इसी के बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सूर्या टीम का हिस्सा जल्द ही बनने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।